ये नर्मदा नदी का तट, जहाँ पे स्नान के लिए सभी भक्त इकट्ठे हैं। नदी है नर्मदा नदी। और उसी ज्योतिर्लिंग में अपने को चलना है। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़, एक्सेसिव भीड़ से भक्तों की, पागलपन सवार है जुनून से भक्ति का। जय श्री राम, हर हर महादेव के इस नारे के साथ हम उज्जैन महाकाल में दर्शन करने के पश्चात और कई सारी मंदिरों में और भी दर्शन करने के पश्चात आज 22 सितंबर 2023 को सुबह तकरीबन 6 बजे भस्म आरती, जब हमने आज ही के दिन भस्म आरती का भी दर्शन किया है, वो दर्शन करने के पश्चात अब दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, ओंकारेश्वर के लिए निकल पड़े हैं। ये हमारे भैया हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। भैया आपका नाम? सौरभ। तो ये सौरभ भाई साहब है हमारे जो लेके जा रहे हैं, यही एमपी में उज्जैन में ये गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, आज पूरे दिन हमारा दर्शन करवाएंगे। भैया क्या क्या दिखवाओगे आज आप? ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, नर्मदा नदी और शनि मंदिर। हाँ, ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, नर्मदा नदी, शनि मंदिर और शनि मंदिर, ये चार चीज़ों का दर्शन आज हमारा टारगेट होगा। और इसके बाद हम आपको अभी मिलवाते हैं अपनी पूरी मंडली से, पूरी टीम से। पकड़ो ये अपने हाथ में, पकड़ लो इसे भी, तभी तुम आओगे। जैसा कि आपने भैया के मुंह से सुना कि हमने आज महाकाल के हमारे दर्शन हो चुके हैं, तो अब हम दर्शन करके सीधा अपना वही चीज़ें रिपीट नहीं करनी, तुम नई चीज़ बोलो। और जैन से हम ओंकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाके वहाँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? इंट्रोडक्शन दूंगा। अरे उज्जवल भाई, कुछ भाई चल रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन एक बात बोला जाए। तो कैसे है भाई लोग आप? लो बहन जी, एक तुम्हारा रह गया है भैया। सो दिस ऑलवेज जस्ट अ फॉर फनी मोमेंट वंस, दिस इज वेरी गुड थिंग दैट वी आर वेरी वेरी मच रिलीजियस पीपल, बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। मतलब पूजा के अलावा भी हम लोग भरपूर करते हैं, तो हम लोग करते हैं ये जय श्री राम, हर हर महादेव के इस नारे के साथ हम उज्जैन महाकाल में दर्शन करने के पश्चात और कई सारी मंदिरों में और भी दर्शन करने के पश्चात आज 22 सितंबर 2023 को सुबह तकरीबन 6 बजे भस्म आरती, जब हमने आज ही के दिन भस्म आरती का भी दर्शन किया है, वो दर्शन करने के पश्चात अब दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, ओंकारेश्वर के लिए निकल पड़े हैं। ये हमारे भैया हैं जो हमें लेके जा रहे हैं। भैया आपका नाम? सौरभ। तो ये सौरभ भाई साहब हैं हमारे जो लेके जा रहे हैं, यही एमपी में उज्जैन में ये गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, आज पूरे दिन हमारा दर्शन करवाएंगे। भैया क्या क्या दिखवाओगे आज आप? ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, नर्मदा नदी और शनि मंदिर। हाँ, ओंकारेश्वर मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ जाके वहाँ के दर्शन करेंगे। तो कैसे है भाई लोग आप? लो बहन जी, एक तुम्हारा रह गया है भैया। सो दिस ऑलवेज जस्ट अ फॉर फनी मोमेंट वंस, दिस इज वेरी गुड थिंग दैट वी आर वेरी वेरी मच रिलीजियस पीपल, बट स्टिल वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। मतलब पूजा के अलावा भी हम लोग भरपूर करते हैं, तो हम लोग करते हैं ये खाने के लिए। अब हम सारे लोग यहाँ पे निकले हैं, चाय पोहा जलेबी हम खाने जा रहे हैं, जो यहाँ की स्पेशल डिश होती है। बाकी हमारे टीममेट्स इधर से आ रहे हैं गाड़ी से,
सो फाइनली होटल में हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हम लोग लेंगे पोहा जलेबी चाय। तो फाइनली हमारी टीम डिलीशियस पोहा जलेबी और चाय का आनंद लेते हुए, कैसा है टेस्ट? बहुत बढ़िया, इंदौर उज्जैन आने का, इंदौर उज्जैन आने का तो पोहा जलेबी चाय नहीं खाया तो बेकार है। हाँ, तो इंदौर उज्जैन आने का तो पोहा और जलेबी खाने का, वरना बेकार है, वरना बेकार आने का So one of the most important place on the route of Indore. This is IIT Indore. And this is the place Indore where IIT as well as IIM both are located here in this city. अभी हम चल पड़े हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव की तरफ। जय श्री राम, हर हर महादेव। और ये कौन सी नदी है, कौन सी नदी भैया? ये नर्मदा नदी का तट, जहाँ पे स्नान के लिए सभी भक्त इकट्ठे हैं। गौमुख घाट, इसे गौमुख घाट कहा जाता है। अल्टीमेट है, बहुत ही सुंदर नज़ारा इस नर्मदा नदी का। तो इन्हीं पहाड़ों से निकली हुई ये नदी है, नर्मदा नदी। हाँ, और उसी ज्योतिर्लिंग में अपने को चलना है। तो जिस वी आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, हमला रुक जाए। हाँ, मैंने तो ये मांग लिया तब से। अभिषेक करना है क्या? नहीं दे ना, अभिषेक करेंगे कल। डायरेक्टन पूजा करा दो, बोलो अभिषेक करवा दे सीधा डायरेक्ट, बोलो 5 मिनट में। आ फिर आओ, प्रसाद ले लेना। हाँ,
अम्मा कहाँ चढ़ोगी, लाइन में ही आ जाओ। वैसे ही गिरने पड़ने का डर है, लाइन में रहो आप। लाइन में रहो ज्यादा बेहतर है, 10 मिनट लेट सही, और क्या होगा। अच्छा तो आप अभी पहुंच जाएंगे वहां पे। हाँ गंगा जल चल रहा है, बताओ तो अपने ही से बल्ला। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर। अरे कोच साहब किधर हैं? खतरनाक है यार ये तो कहानी। बोलो शंकर भगवान की, हर हर। बहुत ही भयानक भीड़ है, ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। इतनी भीड़ तो हमने भाई वहाँ पे महाकाल उज्जैन में भी नहीं देखा। चलो भैया Thank you.
थोड़ा बहुत फूल यहाँ पे भी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ यहाँ पे थोड़ा। ये हनुमान जी है ना, आ जाओ भैया। पैर पहले ही ऊपर रख लो, बस आज नहीं पैड़ी है। चलो भैया कुछ घुसो 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 आप भी घुसो घुसो चलो। अरे एक एक का घुसो, कोई बात नहीं यार, कुछ महादेव के शरण में हो यार, बाबा अपना दर्शन दे देंगे। अरे हर महादेव, बनाना अलाउड नहीं है, अभी बोल देगा थोड़ी देर में बनाना अलाउड ना है, तब तक बना लो। महाकालेश्वर में तो फोन अलाउड नहीं, दुनिया वहाँ भी ले गए, वहाँ भी जा रहे थे, हमने बनाई है वहाँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, एक्सेसिव भीड़ से भक्तों की, पागलपन सवार है जुनून सिंह भक्ति का। अभी हम ओंकारेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग के अंदर है, टेम्पल सेक्शन में, जहाँ पे सारे लोग अब जब जल अर्पित करेंगे फिर पूजा करेंगे शिव जी की। Yeah.
प्रणाम करने दो भैया। महादेव।